गांव में बोलते कई कड़ी समाज के लोग हमारा गांव में तो बोलते क्या बोलते ये छपरे लोग छपरे लोग तो गांव की तरफ है तो हम पहले यहां पे दूसरी तरफ भाड़े से थे हम लोग हमारे पिताजी गुजर रहे शुरू में हम लोग बहुत परिस्थिति में आए पुनः आने के बाद फिर हमने दूसरे के घर में भाड़े से थे वो लोग को भाड़ा देने की अपनी परिस्थिति नहीं थी भाई लोग सब छोटे थे परस्पर में रहने में फिर हम लोग यहाँ पे जगह दिखी हम यहाँ खुली जगह दिखने में हमने गोल ऐसा गोल ग्राउंड के जैसे झोपड़ा मार के हमने गुजारिश किया यहाँ पे गुजारिश करने के बाद थोड़ा दिन हमको कुछ लोग यहाँ के भी हमको टिकने को नहीं दिए उधर के लोग ये शोलापुर वाले इनको भगाओ यहाँ से मार के ये शोलापुर वाले उनको मार के भगाओ ऐसा हमारा बहुत वो लोग पीछे किए वो बाजू के लोग ये साइड फिर करते करते हमने पुलिस कंप्लेंट ये सिक्की फिर अभी अपनी बस्ती बैठ गई तीन बच्चे तीन लड़का है एक लड़का तो एफआई कर रहा है क्या कर रहा है एफआई आपला कॉलेज है जाता अच्छा और दूसरा लड़का एक काम पे जाता हूँ और एक लड़का बोले तो ये तो स्कूल सीख रहा है जो बारहवीं निकल रहा है दसवीं पास हो गया जी तो उनको आपने क्यों पढ़ाया अभी मैं जो सीखना चाहता था मैंने नहीं सीखा इसलिए मेरे बच्चे को सिखाना चाहता था इसलिए मैंने मेरे बच्चे को सीखा प्लस टू से जो आप आ रहे हैं यहाँ पर पढ़ा रहे इसका तो फायदा हो रहा है दसवीं में आज हमारे बच्चे ने वो बस्ती में 10,000 देंगे 10,000 एक ही बच्चा फेल नहीं हुआ दसवीं में पास हो गए तो हमारे यहाँ पर दसवीं फेल हुआ खत्म हुआ वापस दसवीं वहाँ से देने का ऐसा ये मालूम नहीं और देने की इच्छा भी किसी होती नहीं तो ये फायदा है कि आजकल दसवीं पढ़ के लोग 11-12 में नहीं पढ़ रहे हम देखो अपने बच्चे लग गए स्कूल का प्रॉब्लम हो रहा था ना तो जात का दाखिला नहीं था तो कुछ बच्चे 8वीं सीखे कुछ बच्चे नहीं सीखे 10वीं खत्म इसके बाद 5-6वीं क्या क्या इसके बाद बच्चे लोग स्कूल नहीं सीखे मेरे पिताजी वो भी ज़्यादा नहीं पढ़े 5वीं 6वीं पढ़े और वो फर्नीचर का काम कर रहे सुतार का आगे इसके आगे भी अभी भविष्य के अंदर भी स्कूल की जरूरत है खास अगर हमारी ज़िंदगी के जैसे जैसे वैसे कट गए तो अभी जो पहले कम भी शिक्षण होता था तो चल जाता था अब इसके आगे तो जैसे हम हमको भी शौक थे स्कूल सीखने के जो कुछ मालिया हालत कम रहने की वजह से जो मजबूरी रहने की वजह से हम यही सोचे कि मेरा बच्चा पढ़ कर IPS IAS अधिकारी के लेवल में पढ़ाए मैं पढ़ाऊँ मेरी इच्छा शक्ति नहीं है कि मैं उनको पढ़ाऊँगा एक बच्चे का टैलेंट कितना ग्रेड पर डिपेंड करता है मेरी इच्छा शक्ति है कि मेरा बच्चा IPS IAS ऑफिसर लेवल पर पढ़े जैसे कि भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त को 1947 उसके बाद जो विमुक्त जाति है वो स्वतंत्र हुआ 31 अगस्त 1952 में तो दोनों में क्या फ़र्क आपको लगता है और 31 अगस्त आप जैसे कि 15 अगस्त को सारा भारत आज़ादी का खुशी मनाता है वैसे 31 अगस्त को क्या आप ज़्यादा खुश होते हो या 15 अगस्त को हम 15 अगस्त को पहली बात तो ऐसा है कि 31 अगस्त को आज़ादी मिली ये हमको अभी मालूम हो रहा है नहीं 5% लोग हैं उनके पास जाति का दाखिला अभी नहीं है 5% लोगों के पास है बाकी 95 के पास नहीं है पुणे जैसे बड़े सिटी में अभी तो रोजगार तो उपलब्ध होंगे तो भी आपका गुजारा क्यों नहीं हो रहा है कि किस तरह से अड़चन आ रही है आपको अच्छे तरीके का रोजगार नहीं मिलता अभी कैसे मालूम है अभी एक दिन काम है एक दिन काम नहीं रहता अभी कैसे अभी एकदम फिक्स तो ये नहीं काम नहीं बाहर काम में अभी फ्रंट का काम करने की वजह से ना कभी एक हफ्ते में 2 दिन 3 दिन 4 दिन कभी हफ्ता भर पूरा लग जाता है कभी कभी 2 दिन 3 दिन में अपने का गुजर हो वो जो भी आ जाता है 1,500 रुपये अपने घर घर चलाने को उसके अंदर बच्चों को शिक्षण दिया जो भी है उसी के अंदर बाकी तो कुछ फैसिलिटी ऐसे कुछ ये नहीं है